जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी हाँ जनाब, सुबह 4:35 पर सो रहे थे ये, और ऐसा थप्पड़ पड़ा है कि देखने आप ब्लीडिंग हो गई है इनकी, कान फट गया इसके यहाँ से पूरा। देखिए तो आप, अब ना ये मसला इनके साथ आज से नहीं है। नोट करने वाले वाक्य जी, हैदराबाद से इनके साथ, हैदराबाद से ताल्लुक है भाई का, मुर्तजा नाम है। हुआ इनकी अपनी गलती से ही है, मानते भी हैं अपनी गलती। बड़ी मशहूर हस्ती आराम फरमा रही है इंटीरियर सिंध में, मजार शरीफ है उनका। बड़े बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं माशाल्लाह, कई उन्होंने अशार लिखे हैं, कई आपकी हम शरीफ हैं, नाज शरीफ हैं, कई कॉल हैं आपके जो आपने लिखे हैं। उनके मजार शरीफ पे याद से 8 पहले थे ये भाई। अच्छा। कह रहे हैं भाई मैं पूरा मजार शरीफ देखा, मुझे बड़ा शौक था। मैं फिर जब लंगर करने लगा, खाना खाने लगा वहाँ पर, तो एक अजीब सी औरत आई मेरे पास। ये लफ्ज़ इन्होंने लिखा है, बहुत अजीब सी औरत। उसने मुझसे पैसे मांगे, मैं उसका मजाक उड़ाना शुरू हो गया। क्यों? 14 उम्र थी इनकी उस वक्त। अच्छा। लेकिन 14 आज से 8 पहले, थोड़ा सा शऊर तो आ जाता है आपको, लड़कपन। वो मांग रही थी इनसे लाल नोट, 100 का नोट। जी हमारा 100 100 का नोट लाल होता है हमारा। वो कह रही थी लाल नोट दे, ये उनका मजाक उड़ा रहे। शिराज भाई, इन्होंने उस खातून को पागल कहा। अच्छा। जब उन्होंने लफ्ज सुना ना पागल, तो वो गुस्से में आ गई, जलाल में आ गई। उन्होंने इससे कहा मैं पागल नहीं, तू पागल हो जाएगा, और अपने आप को चक काटा, दंदी। अच्छा। अल्लाह बचाए। सही। मुझे अरसलान भाई याद आ गए। कौन अरसलान भाई? जो माजूर हो गए थे बाइक पर, एक औरत के मुंह पे हेडलाइट, बाइक की हेडलाइट की रोशनी मार रहे थे। अल्लाह का करम हुआ, उन्होंने भुगती तकलीफ, बहुत सजा भुगती, लेकिन 3-4 भुगती तकलीफ। तो ना उस खातून ने इनको ये कहा कि तू पागल हो जाएगा, मैं पागल नहीं हूँ, और अपने आप को ना जोर से बाइट की, दंदी काटी, चक काटा। सही। ये एक समझ लें, एक वो एक तरीका है बददुआ का, या एक अपने आप को तकलीफ पहुंचा कर। इतनी तकलीफ हुई उनको इस जुमले से, या नहीं देना आप, नहीं दो, आप कह दो माफ कर दे, नहीं है माजरत मेरे पास, नहीं है, ये भी कह दो कि जाओ भाई यहां से। आप उल्टा उनका मजाक उड़ा रहे हो और उनको पागल कह रहे हो। कहां पे हो, किस जगह पे बैठे हुए हो यार? मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ भी करके दें, आप दे सकते हैं दे दें, नहीं दे सकते आप मना करते हैं, माजरत कर लेते हैं। ये थोड़ी कि आप अगले को डांटें, उसका मजाक उड़ाएं, उससे बदतमीजी करें, तजलील ना करें। अब जी ये कह रहे हैं भाई, जब उसने ये किया ना, अपने आप को काटा, हम डर गए सारे। हम डर गए कि यार उसका जो अंदाज था ना, बड़ा जलाली के तू पागल हो जाएगा, और अपने आप को उसने तकलीफ पहुंचाई, काटा बाकायदा बड़े जोर से। हम भाग गए वहाँ से, हम वहाँ से भागे, हम घर पे अभी वापस आ रहे हैं, रस्ते में ही हैं, तो मुझे गाड़ी में ही दौरे पड़ना शुरू हो गए। इन भाई को मैं आपको दिखाऊं, ये भाई ये है, कह रहे दौरे पड़ना शुरू हो गए। सही। मैं घर आया, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने अपने सारे बाल काट लिए, टेढ़े मेढ़े, जैसे पागल नहीं काटते थे अपने, कहीं से छोटे कहीं से बड़े, पूरे बाल मैंने काट लिए। आज इस बात को 8 हो चुके हैं। रोज रात को वो मेरे ख्वाब में आती है, आज भी वो मेरे साथ गए इलाज के लिए। तो वो इंसान नहीं थी क्या? इलाज के लिए गए। अच्छा। एक मौलवी साहब के पास। सही। तो मौलवी साहब ने इनको कहा, जो उनके अल्फाज हैं, कि वो इंसान नहीं थी। सही। सही। मौलवी साहब के अल्फाज कि वो इंसान नहीं थे,
और अब आप ऐसा करो कि हर जुमेरात या जुम्मे को वहाँ जाओ, कुछ लंगर करो, मिठाई खिलाओ, और वो मिले तो उनको 100 रुपये दे दो। कहते सही। हैं भाई मैं उस दिन से लेके आज तक जा रहा हूँ, मुझे नहीं मिली, अच्छा, मुझे वो नहीं मिली, ये ना कोई ट्विस्ट जानता है उनको, कि ट्विस्ट है, बड़ा मतलब हैरान कन बात है, बहुत जबरदस्त। आज 8 साल गुजर गए हैं, मैं वहाँ जा रहा हूँ गाए बगाए, जुमेरात जुम्मे को भी 100 रुपये के नोट लेके भी, खाना मिठाई भी लेके, लेकिन मुझे मिल नहीं रही। 8 साल हो गए और इसको। वो क्या ये कह रहे हैं इनके साथ भी है। कह रहे हैं रोज मेरे ख्वाब में आती है। मैंने पूछा हुलिया क्या होता है, कहते हैं अजीब पुराना लिबास होता है, बहुत जुब्बा टाइप, हुब्बा टाइप, नहीं लिबास नहीं होता, अच्छा पुराना चेहरा सही। वगैरह नहीं, लेडीज लिबास होता है जो मेरे ख्वाब में आता है, काले रंग का लिबास होता है पुराने दौर का, चेहरा इतना वाजह नहीं नजर आता है इनको, लेकिन वही होती है, महसूस होता है। और अब ये बता रहे हैं कि भाई मैं सो रहा था तो मुझे बकायदा थप्पड़ पड़ा है इनको, 4:35 हो रहे थे सुबह के। कहते भाई जब मैंने अपने बाल काटे ना तो मुझे अजीब सा खौफ आने लगा सबसे। कहते हैं यकीन नहीं करेंगे, मैं घर से बाहर अपना मुंह छुपा के जाता, कोई मुझे देखे ना, तो मैंने पूरा मुंह लपेटा होता, सिर्फ आंखें खुली होती, तब भी मुझे लगता हर कोई मुझे ही देख रहा है। एक दिल में एक तकलीफ, एक बहुत ज़्यादा जो है ना खौफ, ये सब इनके साथ उस दिन से लेके आज तक ये हो रहा है। जैसे मैंने अर्ज की ना कि मुझे अरसलान भाई याद आए, तो